पैरासाइट कीड़े जैसे एलियंस जो धरतीवासियों के नाक और मुंह में घुसकर उनके शरीर और दिमाग पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन 17 साल की शिनिची की बात ही कुछ अलग है। एक एलियन उसके शरीर में घुसने की कोशिश करता है लेकिन उसके दिमाग पर वो कब्जा नहीं कर पाता, लेकिन उसके हाथ पर कब्जा कर लेता है। अब वो दोनों एक जिस्म और दो जान हैं। वैसे भी कई लोगों के बड़े अजीब शौक होते हैं, लेकिन इन दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। इतनी गहरी दोस्ती कि वो एलियन शिनिची का होमवर्क भी करता है। होमवर्क एक बड़ा ही खतरनाक शब्द है, एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की और ख़तरों से भरा काम है, खास करके जब आप होमवर्क क्लासरूम में करते हैं और टीचर उसे कलेक्ट करने वाली होती है। और वैसे भी स्कूल और कॉलेज जो हैं एकदम उल्टी किडनैपिंग जैसे होते हैं, जहां पर आपसे हज़ारों लाखों रुपए मांगे जाते हैं और अगर आप नहीं दे पाते तो आपका बच्चा आपको लौटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है शिनिची की और उस एलियन की, जो अब उसके हाथों में रहता है। उसके शरीर का वो हिस्सा बन चुका है और उस एलियन का अपना दिमाग है, और इस एलियन ने शिनिची की ज़िंदगी को ढेर सारी खुशियों से भर दिया है, ढेर सारे एडवेंचर से भर दिया है और उसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी बना दिया है। अब शिनिची 10 गज दूर रहकर भी उन लोगों को तमाचे मार सकता है जो उसकी गर्लफ्रेंड पर लाइन मारते हैं। इसके अलावा इसमें कमाल के कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि ये नुकीली जुल्फों वाली लड़की जो अपनी नुकीली जुल्फों से किसी भी आदमी का सर काट सकती है, और इसके अलावा ये सब्जियों को चॉप, स्लाइस, डाइस और जूलियन भी कर सकती है। इसे एशियन स्काई शॉप के किसी भी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ पर आपने गौर किया होगा और वो ये है कि ये मांगा कलर में है, जबकि दूसरे साधारण मांगा ब्लैक एंड वाइट होते हैं। जी हाँ, अब आप इंद्रधनुष के सातों रंगों के साथ लोगों को कटते, मरते और तड़पते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर खून का रंग लाल है, इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। और कलर में होने के साथ साथ ये हार्ड कवर भी है और इसकी पेपर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और अगर ये किताब पढ़ते हुए आपको कोई दूर से देखेगा तो वो सोचेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, जबकि सच क्या है वो सिर्फ आपको पता होगा। और अगर आपको मांगा कलेक्ट करने का शौक है तो ये आपके लिए एकदम सही है, क्योंकि इसके सिर्फ 18 वॉल्यूम्स हैं जिन्हें आपको कलेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। और खुशी की बात यह है कि ये सारे वॉल्यूम्स अमेजोन पर अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आलस आपका पीछा नहीं छोड़ता, आपसे इतना कुछ नहीं पढ़ा जाता, तो आप इस सीरीज पर बनाए गए एनिमे को देख सकते हैं जिसके सिर्फ 24 एपिसोड्स हैं, या तो फिर आप इस पर बनाई गई लाइव एक्शन फिल्म देख सकते हैं या फिर लाइव एक्शन टीवी सीरीज देख सकते हैं। इसे लिखने और बनाने वाले हैं हितोशी इवाकी। आर्ट कमाल का है, कहानी कमाल की है, और अगर आपको ये चाहिए तो ये आपको मिलेगा अमेजोन पर। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।